हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेएम काउंसलिंग की थर्ड एडमिशन लिस्ट आने के बाद, थर्ड राउंड का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को क्या क्या स्टेप फॉलो करनी होगी, क्या प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, कौन से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी होगी, इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है रिमार्क को लेकर कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड से लेकर थर्ड राउंड तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, उनको फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, फोर्थ राउंड के लिए उनको क्या करना होगा। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं करना होगा, हमेशा की तरह वो ऑटोमेटिक फोर्थ राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका सीट अपग्रेड हो चुका है, जिनका सेकंड या फर्स्ट राउंड के बाद अभी थर्ड राउंड में कोई नया इंस्टीट्यूट मिला है, जिन स्टूडेंट्स को थर्ड राउंड में कोई नया इंस्टीट्यूट मिला है, या वो स्टूडेंट जिनको थर्ड राउंड में पहली बार कोई सीट मिला है, जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट मिला है, तो इस तरह के दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को इस तरह के ऑप्शन शो करे होंगे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का, और लास्ट वाला ऑप्शन आपका आ रहा है विड्रो का। तो इनमें से स्टूडेंट्स आपको पूरी सावधानी के साथ इन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी थर्ड राउंड में जो सीट आपको मिल गया उसको सेव रखते हुए आप नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपग्रेडिंग के लिए और अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है। अगर आपकी जो थर्ड राउंड में जो सीट मिला है अगर उसी में अगर आप रहना चाहते हैं, उसी में आप लॉक करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कन्फ्यूज हो रहे हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई सीट मिला था, जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिला था और उन्होंने अपग्रेड पे डाल दिया, या फिर वो स्टूडेंट जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट मिला था और उन्होंने अपग्रेड पे डाल दिया, अब उनके पास केवल दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज का और आ रहा है एक विड्रो का, ये दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर हम सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, फोर्थ राउंड को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का। तो स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी फ्लोट कर रखा है। आप यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे ना, तो आपका स्टेटस है ना ऑलरेडी यहाँ पर फ्लोटिंग आ रहा है। तो जिनका स्टेटस यहाँ पे फ्लोटिंग आ रहा है उन स्टूडेंट्स को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले ही अपग्रेड कर दिया था। तो जब तक आपको सीट नहीं मिलेगी तब तक आपका अपग्रेड रहेगा। अगर आप चाहें, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो फोर्थ राउंड को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो थर्ड राउंड तक जो सीट मिल गया उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसी को फ्रीज करना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप फोर्थ राउंड को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप अपनी सीट को एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं। और अगर आप नेक्स्ट राउंड को भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक फोर्थ राउंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और ये विड्रो का ऑप्शन स्टूडेंट्स भली बात ही आप सभी जानते हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आईआईटी जेएम काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर दिया है लेकिन वो अदर किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जैसे आइजर में, आईएएससी में या नाइजर में, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, सीट को विड्रो करना होगा। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स ने पहले से ही सीट को फ्रीज कर रखा है या फिर थर्ड राउंड में सीट फ्रीज करें, उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको फ्रीज करने के बाद आपको ऑफर लेटर का वेट करना है, तो लगभग आपका 10 जुलाई के आसपास आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं रिमार्क को लेकर, स्टूडेंट्स के कई तरह के सवाल हैं रिमार्क को लेकर। तो स्टूडेंट्स रिमार्क को लेकर आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके एडमिशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिमार्क को लेकर। जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा ना तब आपका ये रिमार्क वगैरह सारा क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम अपने रिमार्क को कैसे ठीक कर सकते हैं, अभी जो रिमार्क है वो ऐसा ही रहेगा, जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी तो वहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमार्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग अलग आईआईटीज के जो इंचार्ज होते हैं वो आपको रिमार्क देते हैं और ये रिमार्क उनके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। आईआईटी जेएम अथॉरिटी आपको रिमार्क नहीं दे रही, जो इंस्टीट्यूट आपको मिल चुका है या मिलने वाला है या मिल गया है उन इंस्टीट्यूट से आपको रिमार्क आते हैं, तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है कि सर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का जो थर्ड राउंड का रिजल्ट है उसमें कुछ प्रोग्राम का कुछ कैटेगरीज के लिए काफ़ी डिक्रीज है और कुछ का बैलेंस हो गया लगभग, तो स्टूडेंट्स फोर्थ राउंड तक हम कोशिश करें कि पूरा बैलेंस हो जाए। हालांकि आपने देखा होगा कि जब सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया था तो काफ़ी कम टाइम मिला था विड्रॉ करने का, और हमने उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, उसके कुछ ही घंटे बाद विड्रॉ का ऑप्शन भी वहाँ से जो है चला गया था, रिमूव हो गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं कैंपेन स्टार्ट करूंगा कल से, जो भी स्टूडेंट्स आइजर में जा रहे हैं, आईएएससी में जा रहे हैं, आईएसआई में जा रहे हैं या फिर अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वो सीट को अपनी को विड्रॉ करना है उनको 2 जुलाई तक। बड़े लेवल पे कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स आईआईएससी में जा रहे हैं या आइजर्स में जा रहे हैं, नाइजर्स में जा रहे हैं, आईएसआई में जा रहे हैं या फिर टीफर के थ्रू और कहीं सेटल हो रहे हैं जेस्ट के थ्रू, तो उन स्टूडेंट्स को आईआईटी मिल चुकी है तो वो अदर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो उनको सीट को विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करेंगे तो उन्हीं को बेनिफिट होगा, जो उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रखी है वो वापस मिल जाएगी। अगर 2 जुलाई के बाद वो विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो जब्त हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स हम अपने लेवल पे पूरा प्रयास करेंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग आपका ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो फोर्थ राउंड तक बैलेंस हो जाए। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट का 5 से 10 रैंक अप डाउन हो सकता है जो टॉप इंस्टीट्यूट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस बार प्लेसमेंट को ज़्यादा चॉइस कर रहे हैं। जैसे कई बच्चे आइजर पुणे को छोड़ रहे हैं टॉपर्स, कई IISc को छोड़ रहे हैं और वो टॉप IITs में जा रहे हैं प्लेसमेंट और टेक दोनों के लिए। तो थोड़ा बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा 10 से 15 रैंक का डाउन भी हो सकता है कहीं कुछ प्रोग्राम में, ठीक है। और इसका पूरा केस स्टडी मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ कि इतना कुछ प्रोग्राम का डाउन क्यों चल रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है और कितना बैलेंस हो सकता है। इसके लिए मैं पूरी केस स्टडी स्टूडेंट्स आपको कल या परसों तक आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद।